दोस्तों, आज आप लोगों को मैंने 2 दिन में कंप्लीट करके बना पाया और आज आप लोगों को इतनी सुंदर DIY दिखाएंगे कि पूरे YouTube में नहीं मिलेगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जेट प्लांट से टोपियारी, मैंने ढेरों टोपियारी बनाई हैं, तो आइए फ्रेंड्स देखिए कि मैंने कैसे टोपियारी बनाई हैं। और ये टोपियारी आप कोई भी बना सकता है, लेकिन फ्रेंड्स ये बनाने को तो बहुत साधारण कहने के लिए कहा जाएगा, लेकिन हाँ जब फ्रेंड्स बनाने चलते हैं तो बहुत मेहनत लगती है। अब ये वायर देख रहे हैं, जो हमारा ये जो हम लोग वायरिंग वगैरह के लिए लाते हैं या किसी चीज़ के लिए लोहे के लिए ये हैं, तो ये लोहे के तार मैंने लिए हैं और इन तारों को मैंने किस तरह से इनका किस कैसे लगाया है। और फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि हाथों में लग भी जाता है, और फ्रेंड्स एक जुनून होता है हम लोगों को करने का, तो फ्रेंड्स एक जुनून के साथ हम लोग करते हैं और नेचर से जुड़े रहते हैं तो मन को शांति मिलती है। ये फ्रेंड्स इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है गार्डनिंग का कि कितना भी आदमी टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, तो फ्रेंड्स अगर इस पौधों के साथ में अगर लग जाएगा तो मन इतना हल्का रहता है और अच्छा रहता है फ्रेंड्स कि आप सोच नहीं सकते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो वायर लगा बना काटा इसको, और ये काटने के बाद में ये मैंने स्टिक डाल रखी, ऐसे डालती जाऊंगी और करती जाऊंगी, और देखिएगा कि कितनी मैं ढेरों बना करके अभी तैयार करती हूँ। और फ्रेंड्स फुल वॉच वीडियो कीजिएगा, अगर फुल वॉच करेंगे तो देखेंगे कि मैंने कैसे कैसे कितनी मशक्क़त के बाद में बहुत सुंदर सा DIY बना करके तैयार किया है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ में, और सभी लोगों का स्वागत है माँ क्रिएटिव किचन गार्डन में। दोस्तों YouTube परिवार का हिस्सा ज़रूर बने और कड़ी से कड़ी जोड़ते जाएं। ये देखिए एक जैसी मैंने इनको काट लिया है तार को, आप देख रहे हैं कि फ्रेंड्स एक जैसे तार को काटा है। और ये एक्स्ट्रा जो हम लोग जूस वगैरह पीते हैं तो क्या करते हैं कि इकट्ठा ले आते हैं, तो इस इकट्ठा लाने में फ्रेंड्स सस्ती भी मिल जाती हैं, और अगर कम बनाना हो तो आप कहीं पर जूस वगैरह पीते हैं तो वो भी ला सकते हैं अपने घर में साथ में लिए हैं, क्योंकि हम लोग भी तो उसका पैसा ही लगाते हैं। तो ये तार की मदद से, तार में ये एक्स्ट्रा इसलिए डाली जा रही फ्रेंड्स कि हमारे गर्मियों में ये जो तार गर्म हो जाते हैं तो ये गर्म ना हो करके पौधे को नुकसान नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ये इंडोर प्लांट्स नहीं, बहुत धूप में रहता है, और ये धूप में रहने के साथ साथ में बहुत हार्डी प्लांट होता है और बहुत लकी प्लांट्स होता है। तो आइए देखिए, जुड़िए हमसे और कैसे मैं बनाती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं और आप लोगों से कहना भूल रही हूँ कि अगर आप पहली बार आए हों मेरे चैनल में तो प्लीज़ YouTube परिवार का हिस्सा बने और सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि मैंने ये कैसे DIY बना करके तैयार कर रही हूँ। और जब ये
जब ये जाल बनकर के तैयार होगा फ्रेंड्स, तब आप देखिएगा, फिर उसके बाद में देखिएगा कि कैसे मैं जाल बना रही हूँ। क्योंकि ये फ्रेंड्स बहुत मेहनत लग रही है और बहुत मैंने मेहनत की भी है, तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि जो नए बिगनर हैं उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ये हर एक किसी के बस की बात नहीं है। और हाँ, अगर गार्डन लवर हैं, नेचर से आप जुड़ाव रखते हैं, तो आप बना भी सकते हैं। कितना तो ये फ्रेंड्स देखिए कि मैंने नेट का ये जो है ये बना दिया। और जिस समय फ्रेंड्स ये पूरा भरेगा, तब देखिएगा, आज ये दूसरा दिन है फ्रेंड्स, तो दूसरे दिन में भी थोड़ी थोड़ी सी कमियां दिख रही मेरे को। मैंने चूंकि कल डंडी में उसमें पौधों को ऐसे मिट्टी में दबा दिया था, क्योंकि मिट्टी में दबाना हमारा बहुत ज़रूरी था। अगर मिट्टी में मैं दबाती नहीं तो फ्रेंड्स इसकी लीव्स सारी टूट जाती और गिर करके बिखर जाती। तो ये फ्रेंड्स मैंने इसमें फर्टिलाइज़र भी देखा था आपने, कितना मैंने मिलाया, किस तरह से नहीं मिलाया फ्रेंड्स, वो भी आपने देखा। तो आइए देखिए मैं कैसे इसकी हट बना करके तैयार कर रही हूँ फ्रेंड्स। मेरी हट देखते ही आप बनाने शुरू कर देंगे, और नहीं बनाना शुरू करेंगे तो जेट प्लांट्स की कटिंग तैयार तो करना शुरू ही कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको होल किया था तो वीडियो नहीं बनाया। फिर ये जिस प्रकार से मैं हट देना चाह रही हूँ, तो ये फ्रेंड्स मैंने बड़ी क्यारी को लिया, बड़ी क्यारी में मैंने इस तरह से इसकी हट बनाने की कोशिश की। तो ये फ्रेंड्स मेरी हट देखिएगा मैं कैसे बना रही हूँ। और जिस समय तो फ्रेंड्स आपने देखा कि जो तार की मैंने हट बनाई है, और ये किस तरह से मैंने जाल बना करके तैयार किया। ये जाल बनाने के बाद में ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं
इनको इस तरह से दबा रही हूँ और कैसे मैं बांधूंगी फ्रेंड्स वो भी देखिएगा। और जिस समय ये घना बन करके तैयार होगा मैं इनका समय समय से अपडेट जरूर देती रहूंगी और इनकी जड़ों को बिल्कुल ना छेड़ें फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स देखिए कि मैंने थ्रेड की मदद से जो हम लोग कपड़े की सिलाई करते हैं उसी के धागे की मदद से मैंने इसको किस तरह से मैं बांध रही हूँ। और आप देखिएगा ध्यान से कि ऐसे ही बांधिएगा, ज़्यादा तेज़ी से ना दबाएं इसको काटें, क्योंकि थोड़ी बहुत एक आध जो है ऊपर की कलगी थोड़ी कट गई है तो कट गई तो, लेकिन इतना हार्डी प्लांट्स होता है ये, जेट प्लांट्स हमारा बहुत लकी प्लांट्स होता है, घर में लगाना फ्रेंड्स बहुत शुभ होता है। और ये जब मैं इस तरह से बांध रही हूँ, बांधने के बाद में ये इधर उधर बिखरेंगी नहीं, फिर उसके बाद में जो
तो देखा फ्रेंड्स कि मैंने जैसे ही एक मग पानी डाला इसमें, तुरंत पानी को पी गया। ये इस तरह से मिट्टी बनाएं, बेल्डन मिट्टी बनाएं, और तुरंत इसको देखिए फ्रेंड्स, ये इस समय मैंने घुमा घुमा करके इसमें पानी को डाल रही हूँ। और ये फिर इसके बाद में देखिए मैं और भी क्या करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे शॉपिंग थैले होते हैं ना कपड़े के, तो इसको इसमें इसलिए बिछा रहे हैं कि बिछाने का मकसद एक बस एक ही रहेगा कि फ्रेंड्स जैसे इसकी कभी गुड़ाई उड़ाई करना है तो गुड़ाई करने के बाद, तो इनकी ऐसे बिछाने के बाद में इसमें थोड़ी हवा भी लगती रहेगी। और अभी आप देखिएगा कि ये जो पत्थर मैं डाल रही हूँ, तो ये पत्थर लुक वाइज भी बहुत अच्छे लगेंगे और ये गंदे भी नहीं होंगे। और जैसे कभी गुड़ाई भी करना हुआ तो इनको, ये कपड़े का जो थैला है तो थैले सहित निकाल करके, और फिर इसकी समय समय से गुड़ाई भी हो जाया करेगी। तो इसलिए कपड़े के थैले में ही डाल करके किसी भी प्रकार की कलरफुल गिट्टी है जो ये मार्बल हमारा, तो इसको इसमें डालें। तो ये मार्बल को डालने से बहुत अच्छा रहता फ्रेंड्स, और कपड़ा का डालने से नीचे हवा भी लगती रहती है। अब ये क्या करते हैं, ये देखिए ये जो गौरैया हैं फ्रेंड्स, ये गौरैया को अभी फ़िलहाल में ऐसे बैठा देंगे, और ये 15 दिन जब हो गए, जब पूरा 15 से 1 महीने के बीच में पूरा हमारा जंगल की तरीके पूरी हट तैयार हो जाएगी। क्योंकि मैं समय समय से इतनी अच्छी फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ, वो भी ऑर्गेनिक, अपने घर से निकली हुई किचन से मैं वही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसमें डालती हूँ। तो फ्रेंड्स उसका भी वीडियो कभी कभी बीच बीच में आता रहता है, आप जाकर के किचन बेस्ट से आप इसमें, मैंने दिया भी है तो 24 घंटे के अंदर मैंने वो भी दिखाया था कि किस तरह से फर्टिलाइज़र में 24 घंटे के अंदर कलर निकल करके इसमें आता है। तो ये फ्रेंड्स देखिए, मैंने गौरैया को बैठा दिया, क्योंकि शाम फिर आज हो गई थी इसमें, और डायरेक्ट जब इसमें धूप लगती फ्रेंड्स तो इतनी मतलब हरापन नहीं पौधों में आता है। तो अब ये जो है आज मैंने जो लगाया है, ये देखिए छोटे छोटे ट्रायज हैं, ये भी रख रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये आप कमेंट्स करके फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो किस तरह से रहा और मेरी मेहनत किस तरह से लगी है जा करके। फ्रेंड्स हम लोग जब गार्डनिंग करते हैं तो ना चोट देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना छांव देखते हैं, लेकिन हम लोग लगे रहते हैं। तो ये मार्च का महीना है फ्रेंड्स, जितनी अच्छी से अच्छी इसमें कटिंग करके लगाना चाहते हैं तो कटिंग भी लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मेरे ढेरों DIY इसमें जेट प्लांट्स के तैयार हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों तक शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक, और अपने एटमॉस्फेयर को अच्छा रखें फ्रेंड्स। नेचर से जुड़ करके रहेंगे तो एक अलग बात होती है, नेचर हमको बहुत कुछ देता है लेकिन हम आप नहीं समझ पाते हैं। तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखते हुए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।